अरे कालू, बेटा टोनी को बच्चा होने वाला है। तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास जाकर टोनी की जांच करवाते हैं। अगर गर्भ में बेटा हुआ तो सही है, लेकिन अगर गर्भ में बेटी हुई तो सोचना पड़ेगा इसका क्या करना है। हाँ माँ, मुझे कौन सा लड़की चाहिए? मुझे भी लड़का चाहिए, मुझे कोई बेटी बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए बेटा। चलो डॉक्टर के पास जाकर पूछे आते हैं कि इस बार टोनी को लड़का होगा कि लड़की। कालू कब्बा और उसकी माँ टोनी को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, जरा मेरी पत्नी को चेक करके बताओ कि इसको लड़का होगा या लड़की। अरे नहीं नहीं पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये गैरकानूनी है, मैं ये नहीं कर सकता, तुम इसे कहीं और ले जाओ। सुन डॉक्टर, मैं तुझे इज्जत से बोला हूँ, मेरी बात मान ले वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरा एक क्लिनिक भी तोड़ दूंगा। चल अब जल्दी से चेक करके बता कि इसके गर्भ में लड़का या लड़की। इस तरह कालू कौवा डॉक्टर को डरा धमका कर चेकअप करवा लेता है। डॉक्टर की जांच करता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है? अरे और डॉक्टर खुद में ही बड़बड़ाता रहेगा, यहाँ हमें भी बताएगा, जल्दी बता टोनी को बेटा ही होगा ना? नहीं नहीं, टोनी के गर्भ में बेटा नहीं बल्कि 12 बेटियाँ हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके घर में 12-12 लक्ष्मी आने वाली है। अरे अपनी मुबारकबाद अपने पास रख, डॉक्टर क्या बकवास कर रहा है, हमें तो एक भी बेटी नहीं चाहिए थी और तू बोल रहा है कि 12-12 बेटियां होंगी। डॉक्टर हमें इतनी सारी मुसीबत अपने घर में नहीं चाहिए, हमें इतनी सारी बेटियां नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो, इन बच्चों को मार दो, इन्हें अभी के अभी मार दो। नहीं नहीं माँ जी, मैं पहले ही एक पाप कर चुका हूँ, अब दूसरा पाप नहीं करूँगा, बेहतर होगा कि आप कहीं और चले जाएं। डॉक्टर तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक मैं अभी तेरी पिटाई करता हूँ और देखता हूँ तू कैसे बेटियों को नहीं मारता। तुम मुझे हाथ तो लगा कर दिखाओ, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। बेटा रहने देते हैं, चलो घर चलकर ही इसका कोई उपाय ढूंढते हैं। कालू कौवा मजबूरन टोनी को घर ले आता है। कालू बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें तो एक भी बेटी मंजूर नहीं थी और यहाँ तो 12-12 बेटियाँ हो रही हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं उन 12 बेटियों को अपने घर में नहीं रखूंगी, मैं नहीं चाहती कि वो तेरे सर का बोझ बन जाए। बेटा तू तो जीना ही भूल जाएगा और उनके लिए दहेज जमा करता रह जाएगा। मैंने कब कहा कि मैं इसे अपने साथ रखूंगा? मैं इसे किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं रखूंगा। माँ एक काम करते हैं, टोनी को घर से बाहर निकाल देते हैं, वो कहीं भी जाकर मरे, हमें इससे क्या? मैं एक अच्छी सी चिड़िया देखकर दूसरी शादी कर लूंगा जो मुझे बेटा देगी। हाँ हाँ बेटा, ये उपाय तो सही लग रहा है, लेकिन अगर हम उसे खुद घर से बाहर निकालेंगे तो वो पुलिस के पास चली जाएगी और हम दोनों को जेल में बंद करा देगी। जो होगा देखा जाएगा, मैं पुलिस वालों से भी निपट लूंगा, लेकिन इस टोनी को अपने साथ घर में नहीं रखूंगा। वो दोनों टोनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। टोनी उनके सामने बहुत रोती गिड़गिड़ाती है। माँ जी, कालू जी, आप मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? मेरी 12 बेटियाँ होने वाली है, उनका क्या होगा, मैं उन्हें कहाँ रखूंगी? ऐसा मत कीजिए, आप दोनों के अलावा मेरे दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बारे में ना सही, कम से कम मेरी आने वाली बेटियों के बारे में तो सोचिए। अरे कल मोही तू कहीं भी जाकर मर, हमें उसे क्या? हमने तुझसे पहले ही कहा था हमें लड़का चाहिए, लड़का, लेकिन नहीं, तू तो हमें 12-12 बेटियां देने वाली है। माँ जी मैं मानती हूँ मेरे 12 लड़कियां होने वाली है, लेकिन इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं, ये तो भगवान की देन है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर में 12 लक्ष्मी आने वाली है। अरे भाड़ में गई तेरी 12 लक्ष्मी, तू अपनी 12 लक्ष्मी को अपने पास ही रख। टोनी रोती हुई जंगल की तरफ चली जाती है, वो एक कुएं के पास जाती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मरने का फैसला ले लेती है। जैसे ही वो कुएं में कूदने वाली होती है, तभी उसे टिकी चिड़िया आवाज देकर रोक लेती है। अरे रुको रुको बहन,
तुम अपनी जान क्यों देने जा रही हो? तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन, मेरे पति और सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी 12 बेटियां होने वाली है, मेरे पास घर भी नहीं है। मैं अपनी बच्चियों को कहां रखूंगी? इसलिए मुझे एक ही रास्ता नजर आया। ये चिड़िया तो 12 अंडे देने वाली है, और अगर मैं इस चिड़िया के अंडे को बेच दूं, तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। तुम फिक्र मत करो बहन, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी। बहन, तुम मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह टोनी चिड़िया टिकी चिड़िया के घर में रहने लगती है। कुछ दिन बाद टोनी के 12 अंडे हुए। फिर एक दिन जब टोनी अपने लिए दाना लेने जा रही थी, टिकी बहन, मैं अपने लिए दाने लेने जा रही हूँ, तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना। हाँ हाँ बहन, तुम आराम से दाना लेने चली जाओ, वैसे भी अब अंडों का ध्यान मुझे ही रखना है। ये टोनी तो अब जा चुकी है, अब इन अंडों को बेचने चलती हूँ। इतना कहकर टिकी चिड़िया अंडों को लेकर एक अंडा व्यापारी के पास जाती है। दुकानदार साहब, मैं इन अंडों को बेचना चाहती हूँ, बताओ इन अंडों की मुझे क्या कीमत दोगे? दुकानदार अंडों को देखकर कुछ सोचने लगता है। इन अंडों से तो बच्चे निकलने वाले हैं, इसलिए ये अंडे बहुत कीमती है। इस चिड़िया को इन अंडों की कीमत नहीं पता, इसलिए इसे बेवकूफ बनाकर यहाँ से भगा देता हूँ। देखो चिड़िया, मुझे लगता है ये अंडे खराब है, इसलिए मैं इन्हें कल तक अपने पास रखूंगा। अगर ये अंडे खराब हुए तो ये फूट जाएंगे, और नहीं फूटे तो मैं इनकी कीमत तुम्हें दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे इन अंडों के पैसे अभी चाहिए, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकती। तुम इंतजार नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं आज ही तुम्हें अंडे के पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे इन्हें चेक करने का थोड़ा समय दो, और तुम अभी यहाँ से चली जाओ। इतना सुनकर टिकी चिड़िया घर चली आती है। थोड़ी देर बाद टोनी दाना लेकर लौटती है। हे भगवान, मेरे अंडे कहाँ गए? टिकी, मेरे अंडों को कौन ले गया? अरे बहन, तुम्हें क्या बताऊं? जैसे ही तुम घर से गई, यहाँ पर कुछ शिकारी आए और मुझसे अंडे छीन कर ले गए। मेरी जान भी बहुत मुश्किल से बची है बहन, अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे अंडों को नहीं बचा सकी बहन। पता नहीं भगवान क्या चाहता है, मेरे पास मेरे जीने की आखिरी उम्मीद मेरी बेटियां थी, वो भी चली गई, अब मैं जी कर क्या करूंगी? इतना बोलकर टोनी कुएं के पास आ जाती है। अब ये टोनी कुएं में कूद कर जान दे देगी, और अंडे के पैसे तो मुझे मिल ही जाएंगे। शायद भगवान आप भी यही चाहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाऊं, इसीलिए आप मुझे इतना दुख देते हैं। ठीक है भगवान, मैं आज इस कुएं में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ। तभी अंडा व्यापारी वहाँ पर आता है। ए चिड़िया, जो तू मुझे अभी 12 अंडे बेचकर आई थी, वे खराब थे इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझे दूसरे 12 अंडे देने पड़ेंगे, और अगर तुमने दूसरे बार अंडे नहीं दिए तो तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। टिकी बहन, तुमने मेरे अंडे पैसों के लिए बेच दिए, क्यों किया तुमने ऐसा? और मुझसे झूठ बोल दिया कि शिकारी उठाकर ले गए हैं। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें किसी भी तरह मेहनत मजदूरी करके पैसे दे देती। टोनी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन टोनी चलो हम चलकर उस दुकानदार से अंडे वापस ले आते हैं। लेकिन वो दुकानदार कह कर गया है कि उसने वो अंडे फेंक दिए, अब मुझे वो अंडे वापस नहीं मिल सकते। नहीं नहीं, वो दुकानदार झूठा है, उसने अंडे कहीं नहीं फेंके होंगे, चलो हम चलकर उसकी दुकान पर देख लेते हैं। इतना कहकर दोनों व्यापारी की दुकान पर जाते हैं, उसने वो अंडे छुपा रखे थे। टिकी, अंडे तो दुकानदार ने छिपाए हुई है, लेकिन वो हमें अंडे नहीं देगा,
अब हम उससे अंडे कैसे ले? टोनी बहन, अंडे मेरी वजह से दुकानदार के पास गए हैं, अब उन्हें वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। तभी टिकी चिड़िया दुकानदार के पास जाती है। दुकानदार साहब, में जो पहले अंडे लाई थी वो खराब निकल गए, लेकिन मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, जो भी अंडे तुम्हें पसंद आएंगे तुम वो ले लेना। इतना सुनकर दुकानदार खुश होकर टिकी चिड़िया के साथ चला जाता है। तभी टोनी को अंडे उठाने का मौका मिल जाता है और वो अंडे उठाकर घर चली जाती है। इधर टिकी चिड़िया व्यापारी को घोंसले के पास ले जाती है। ए चिड़िया, कहाँ है अंडे? अरे अंडे तो यहीं पर रखे थे, लगता है अंडे किसी ने चोरी कर लिए। ए चिड़िया, तू मेरा समय बर्बाद कर रही है, मैं जा रहा हूँ, पर अगर अब तू मेरी दुकान पर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो मेरा काम हो गया, तेरी दुकान पर तो मैं वैसे भी नहीं जाने वाली। कुछ दिन बाद टोनी चिड़िया की 12 बेटियां होती है। उसकी सभी बेटियां बहुत मेहनती थी, इसलिए धीरे धीरे टोनी अमीर होती गई। उसने अपना नया घर भी बना लिया। उधर कालू कौवे ने दूसरी शादी कर ली थी, उसका एक बेटा भी हो गया था, पर वो निठल्ला हवारा फिरता रहता था। नालायक, तुझे कितनी बार समझाया है, पढ़ लिया कर पूरे दिन आवारा फिरता रहता है, तुझे समझ नहीं आता। ये मेरा बेटा है, कोई तेरी पहली बीवी की लड़की नहीं है जो तेरी हर बात सुनती रहेंगी। अरे तू खुद जाकर पढ़ ले। ये मेरा भी बेटा है, तुम इसे सर पर चढ़ाकर रखती हो, कभी ये मेरी कोई बात नहीं मानता, मैं इसे अभी बताता हूँ। तभी कालू कौवा अपने बेटे को पीट देता है। इस पर उसका बेटा और पत्नी मिलकर कालू कौवे को पीट कर घर से बाहर निकाल देते हैं। कौवा उदास मन से बैठा हुआ था, तभी वहाँ से टोनी गुजर रही थी। अजी आप यहाँ क्यों बैठे हो, बहुत समय बाद आपको देखा है। टोनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल कर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था और आज मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। अजी कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आप मेरे साथ चलिए। फिर कालू कौवा टोनी और अपनी 12 बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अरे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही टोनी चिड़िया के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।